संबल में योगी सरकार के राज्य मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी संयुक्त चिकित्सालय के अचानक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार व खाना न मिलने की शिकायत सामने आई है। राज्य मंत्री गुलाब देवी को अस्पताल के किचन पर भी ताला पड़ा मिला। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर नाराजगी जताते हुए प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार व खाना न दिए जाने के मामले की जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी आज अचानक चंदौसी में संयुक्त चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में अचानक राज्य मंत्री गुलाब देवी को देखकर अस्पताल में मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री गुलाब देवी अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं को जानने के लिए अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं के पास पहुंच गईं। राज्य मंत्री ने जब प्रसूता महिलाओं से अस्पताल में मिलने वाले खाने व अन्य पौष्टिक आहार के संबंध में पूछा तो सभी प्रसूता महिलाओं ने बताया कि अस्पताल में ना तो खाना दिया जाता है ना कोई पौष्टिक आहार। प्रसूता महिलाओं की ये शिकायत सामने आने के बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी अस्पताल का किचन देखने पहुंच गई, लेकिन राज्य मंत्री को अस्पताल के किचन पर ताला पड़ा मिला। मंत्री ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर से जानकारी की तो बताया कि अस्पताल में मरीजों के भोजन और अन्य पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार के जिम्मे है, जो कि कभी कभार ही मरीजों को खाना उपलब्ध कराता है। जिसके बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौके पर ही सीएमओ अमिता सिंह को फोन कर नाराजगी जताते हुए मरीजों को खाना व अन्य पौष्टिक आहार न मिलने की शिकायत की जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। मैंने अभी बताया यहाँ जो लेडी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर सारिका जी हैं और जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी खड़े हुए हैं। इन्होंने ये बताया है कि 250 मरीजों की व्यवस्था है खाने पीने की, उसमें जितने भी उपलब्ध हो जाएं, लेकिन व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट ने 250 के आधार पे की है। लेकिन पिछली बार मैं आई थी तब भी किचन बंद था, आज मैं आई हूँ तब भी बंद है। और बताया गया है कि जो ठेकेदार है जो बाहर का रहने वाला है वो कभी आता नहीं है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग है और मरीजों के लिए पूरी खाने की दवाई की सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ जो आज मैंने देखा है वो जैसा डॉक्टर ने बताया कि किचन बंद है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार प्रसूता महिलाओं को काफ़ी पैसा 6000 रुपये लोगों दे रही है, काफ़ी इंतजाम कर रही है, लेकिन एक तरीके से जो मरीजों का खाना है एक अन्य आदमी को यहाँ पे मतलब वो डकार रहा है या घोटाला कर रहा है, तो कोई आप कार्रवाई हुई आपकी ओर से? नहीं, मेरी ओर से लिखित में जा चुका है, सीएमओ को भी जा चुका है और मैं शासन को भी भेज चुकी हूँ। अब मैं देखती हूँ, अभी आज जो स्थिति मैंने देखी है कि जच्चाओं से मैंने बात की थी, जच्चा बच्चा सब भूखे पड़े हुए हैं क्योंकि अब दोपहर का 12 बज रहे हैं और अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो बाज़ार से कुछ खरीदेंगी तब जच्चाओं को खिलाएंगी, जो बहुत ही चिंताजनक है। और इस संबंध में अभी सीएमओ से मेरी बात हुई है तो कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिला।